नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारी वीडियो में। तो आप लोगों को पिछली वीडियो जो है कैसी लगी वो हमें बताइएगा प्लीज यहाँ पे कमेंट करके। आज की वीडियो भी हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। तो उससे पहले जो यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन है, बेल आइकन है, लाइक शेयर कमेंट जो जो भी चीजें है नीचे सब पे क्लिक कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा हमारी इस वीडियो को। तो आज की हम वीडियो लेकर आ गए आप लोगों के लिए मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन, जो अभी तक के मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन रहे मिड रेंज में, नॉट हाई रेंज, मिड रेंज में कौन कौन से टॉप 5 स्मार्टफोन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं नाम क्या क्या है। सबसे पहले लावा का अग्नि 2, दूसरे पे नथिंग फोन 2 जो कि अभी आने वाला है कुछ टाइम में, रियलमी 11 प्रो जो कि लॉन्च हो चुका है, ओप्पो फाइंड X6 प्रो ये भी होने वाला है कुछ टाइम में, रियलमी नार्जो N53। तो ये 5 डिवाइसेस है, इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस हम आप लोगों को बताते क्या क्या है। लावा अग्नि 2 की अभी हमने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली थी, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके लावा सर्च कीजिए तो वहां पे आप लोगों को अनबॉक्सिंग और जो जो भी उसमें फीचर्स है वो उन सारी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि लावा अग्नि 2 में आप लोगों को क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो उसकी डिस्प्ले जो कि बहुत ही बढ़िया और इतने कम रेंज में जो लावा ने निकाला डिवाइस, मतलब मजा आ गया उसको देख के, जो कि 6.78 इंच की फुल HD+ कर्व्ड डिस्प्ले। जी हाँ, कर्व्ड डिस्प्ले, और बहुत ही मतलब मजा आता है उसको यूज करके। मैं पर्सनली उसे यूज कर चुका हूँ। 120Hz की रिफ्रेश रेट है। MediaTek Dimensity 7050 चिपसेट आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा विद 8GB रैम और 256GB का स्टोरेज के साथ। साथ में 50MP का प्राइमरी कैमरा है, 8MP का अल्ट्रा वाइड है और जो है 2MP का माइक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा आप लोगों को पीछे देखने को मिलेगा, जो कि 4 कैमरा का सेटअप है। फ्रंट में आप लोगों को मिलेगी 16MP का कैमरा, जो कि फ्रंट कैमरा भी डिसेंट है, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे। एंड्रॉइड 13 का साथ आप लोगों को मिलता है, जो कि लेटेस्ट पैच वॉल के साथ आप लोगों को देखने को मिलेगा इनबॉक्स। 47,000 mAh की बैटरी है, 66W का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर आप लोगों को उसमें मिलेगा। और प्लस एक चीज और है उसमें, आप लोगों को मिलेगी रिप्लेसमेंट की वारंटी इन होम, मतलब आप लोगों को कहीं नहीं जाना। अगर आपके फोन में डिवाइस में कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, लाइक हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, किसी भी चीज की दिक्कत आती है, अगर वो बाय चांस रिपेयर नहीं होता है, रिपेयर भी आपके घर पे आके किया जाएगा, आपको सर्विस सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो रिपेयर नहीं होता है, कंपनी जो भी पर्सन आएगा वो बोल देता है जी ये नहीं हो सकता, तो आप लोगों को ब्रांड न्यू डिवाइस मिलेगा, चाहे आप जितने महीने उसको यूज कर चुके होंगे विद इन 1 ईयर के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है लावा की। देन अब हम आ जाते हैं हमारे नथिंग फोन 2 पे, जो कि 1 जो है काफी बढ़िया इनका चला था और नथिंग 2 भी जो है मतलब बढ़िया आने वाला है, अभी कुछ दिनों में आने वाला है वो मार्केट में। स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ आप लोगों को मिलेगा Note Gen 2। 6.7 इंच की OLED डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलेगी। रियर कैमरा सेटअप होगा 50-50+12 का, मतलब 50-50 और 12MP का। सेल्फी कैमरा होगा 16MP का। 4700mAh की वो बैटरी रहेगी और 4500W का इसमें आप लोगों को चार्जर देखने को मिलेगा, जो कि बजट फ्लैगशिप डिवाइस होने वाला है, जो कि आपका 25-30 के रेंज में ये डिवाइस लॉन्च होगा। अब हम बात कर लेते हैं Realme 11 Pro की, जो कि अभी कुछ दिन पहले लॉन्च हो चुका है इंडिया में। तो उसमें भी वही सेम कर्व डिस्प्ले मिलती है, 6.7 इंच की कर्व डिस्प्ले है, AMOLED डिस्प्ले है। तो और डायमेंसिटी वही MediaTek Dimensity 7050 के साथ आप लोगों को मिलेगा। 12GB रैम, 256GB रोम, 100MP का इसका प्राइमरी कैमरा है प्लस 2MP का सेकेंडरी कैमरा है। एंड्रॉइड 13 के साथ आप लोगों को मिलेगा, जो कि अभी हमने कुछ टाइम पहले इसकी वीडियो बनाई थी, तो वो भी आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं OnePlus की। उसमें आप लोगों को सारी डिटेल मिलेगी, उसमें एंड्रॉइड का जो पैच वॉल है वो कौन सी डेट का है, वो अप्रैल का है, अभी लेटेस्ट नहीं है। 5000mAh की बैटरी है, 67W का इसमें आप लोगों को चार्जर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे तीसरे डिवाइस पे, वो है ओप्पो फाइंड X6 प्रो। या ओप्पो में भी क्या है, QHD कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगी विद 120Hz का रिफ्रेश रेट होगा। Realme 11 में भी आप लोगों को 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। 16GB की रैम, ओप्पो में 512GB का स्टोरेज देखने को मिलेगा, जो कि आपका 50-50-50 के जो आपके तीनों जो कैमरे 50-50-50 के होने वाले हैं। 3 कैमरा सेटअप होगा पीछे, प्लस सेल्फी में होगा 32MP का, जो कि ओप्पो वीवो में आप
चाहे कम एमपी का कैमरा ले लो चाहे ज्यादा का ले लो, उसमें पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी अलग आती ही आती है। वाईफाई 7, एंड्रॉयड 13 आप लोगों को मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, 5000 mAh की बैटरी, 100 वॉट का वायर चार्जर और 50 वॉट आप लोग इसको जो चार्ज कर सकते हैं वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट से, अगर आप लेना चाहे वायरलेस तो, क्योंकि वायरलेस हमारे यहाँ पे अभी इतना यूजफुल नहीं है। तो मेरा मानना है कोई भी फोन लो तो उसके साथ बस वायर वाला ही चार्जर लो। इसकी जो डिस्प्ले है वो 6.82 इंच की होने वाली है, वो भी QHD AMOLED। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट डिवाइस पे। हमारा नेक्स्ट डिवाइस है Realme Narzo N53। तो Realme Narzo N53 में क्या क्या चीज देखने को मिलेगी आप लोगों को, वो मिलेगा आप लोगों को 6.74 इंच IPS LED डिस्प्ले, मतलब LCD डिस्प्ले नॉट LED, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ विद 90Hz रिफ्रेश रेट। यूनिसॉक का इसमें आप लोगों को प्रोसेसर देखने को मिलेगा T612। डुअल कैमरा सेटअप होने वाला है जिसमें 50MP का इसका प्राइमरी और नॉर्मल जो 8MP का होगा, तो वो दो कैमरे सेटअप आप लोगों को मिलेंगे। फ्रंट में आप लोगों को मिलेगा 8MP का कैमरा इसमें देखने को, साथ में 128GB की स्टोरेज है, एंड्रॉयड 13 के साथ आप लोगों को मिलता है, 6GB इसमें रैम है स्टार्टिंग, 5000 mAh की बैटरी है, 33W का जो इसमें चार्जर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही थे गाइस हमारे जो 5 मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन्स अभी तक के। तो आने वाली वीडियोस में भी हम ऐसी नई नई जो वीडियोस है आप लोगों के लिए, जो यूजफुल वीडियोस है वो लेके आते रहेंगे, और बस आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट करने के लिए क्या करना है, बस आपको क्या करना है, शेयर का बटन है उस पर क्लिक कर देना, ताकि अपने दोस्त फैमिली मेम्बर कलीग्स जिन जिन को भी ऐसी टेक्नोलॉजी की जो न्यूज़ या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ें पसंद है तो उन तक ये वीडियो चली जाए, ताकि वो देख के और इसको यूज़ कर सके इसकी इन्फॉर्मेशन को। और बस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए कि हमें हमारी जो वीडियो है आप लोगों को उसमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, क्या हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तो होप यू लाइक इट, और जब तक के लिए हम लोग अब चलते हैं, अब फिर दोबारा से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कुछ अच्छी सी वीडियो, जो कि हो सकती है अनबॉक्सिंग, हो सकती है ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज, हो सकती है कुछ फन वीडियोज, हो सकती है ट्रैवल व्लॉग, हो सकता है तो कुछ भी लेकर हम आ सकते हैं। तो जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो को देखने के लिए।